भरतपुर जिले की पंचायत समिति बयाना ग्राम पंचायत बरमाद के सरपंच श्रीमती रामा पारासर, जिनके सरपंच प्रतिनिधि राजेंद्र पारासर ने आरपीडी न्यूज टीम को बताया कि अब तक के कार्यकाल में पंचायत के बहुत से विकास कार्यों को पूरा किया गया और जो विकास कार्य वंचित है उन्हें जल्द ही पूरा किया जाएगा। तो आइए जानते हैं राजेंद्र खिच्ची के साथ विशेष बातचीत में समाज सेवी राजेंद्र पारासर के अपने पंचायत के प्रति विचारों को। नमस्कार, मैं राजेंद्र खिची आरपीडी न्यूज से। आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत बरमान पंचायत समिति बयाना जिला भरतपुर बरमान ग्राम पंचायत के सरपंच साहब श्रीमती रामा पारेसर और उनके सरपंच प्रतिनिधि राजेंद्र पारासर से करते हैं खास मुलाकात। नमस्कार सरपंच साहब। तो सरपंच साहब, आपका पहले राजनीतिक कैरियर कहाँ से स्टार्ट हुआ ये बताएं। मेरा सन 90 से हुआ जी। इसके बाद मैं सरपंच रहा सन 90 में, मैं सरपंच बने जी। उसके बाद मैं 2005 में सरपंच बने जी। उसके बाद 2020 में सरपंच। तो 90 से आपका मतलब लगभग आपका 25-30 साल राजनीतिक एक्सपीरियंस है आपका। हाँ। तो सरपंच साहब, बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे, आपकी ग्राम पंचायत में मेन विकास का मुद्दा क्या है? मैंने विकास का मुद्दे तो बहुत थे, बहुत हमने हल करा दिए हैं जी जी और करा रहे हैं जी, कोशिश पूरी हो रही है। अब तो बस हमारा मेला में एक तो स्मार्ट तालाब हो जी और एक जो हमारे शीतला माता का जो मेला लगता है ना जी, तो उसके पक्की दुकानों का निर्माण जी, ये काम हमारे से रह रहे हैं जी। तो सरपंच साहब, वैसे तो खैर ग्राम पंचायत में अनेक मुद्दे होते हैं, अपने बरमाद ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो वर्तमान में यहाँ का शिक्षा स्तर कैसा है, बालिका शिक्षा स्तर कैसा है? बहुत बढ़िया चल रहा है जी। अच्छा है, सेकेंडरी स्कूल है बालिका का जी और हायर सेकेंडरी भी है जी, छात्रा छात्रों का, और तीन स्कूल सरकारी है जी। अच्छा शिक्षा, अच्छा चल, बहुत अच्छी बात है। कहते हैं ना सरपंच साहब, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही गाड़ेगा। शिक्षा के साथ साथ बात करते हैं अपने बच्चे आगे खेलों में भी रुचि रखते हैं, खेलों में भी आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं आपके बरमाद ग्राम पंचायत की, तो वर्तमान में यहाँ खेल मैदान की कैसी व्यवस्था है? खेल मैदान की ही आवश्यकता नहीं है जी, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं जी। जगह भी बताइए जी और खेल मैदान बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। खेल मैदान का काम है, खेल मैदान के लिए आप प्रयासरत हो। तो सरपंच साहब, बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं आती है, इसमें क्या कई गरीब परिवार वंचित रह जाते हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? हम उनके लिए आवास के लिए सोच रहे हैं जी, और कुछ जैसे लैट्रिन है तो ओडीएफ हो चुकी है, वैसे हम कोशिश में लगे हुए हैं कि सभी घरों में लैट्रिन बने। ग्राम पंचायत ओडीएफ हो चुकी है? हाँ जी जी। और अनाज भी मिल रहे हैं लोगों को जी, और अभी तो लाइन बन रहे हैं अनाज की, तो खाद्य सुरक्षा के लिए भी हम कोशिश करेंगे। पेंसिल हम बनवा ही रहे हैं जी जी, और सारे वैसे विकास जो कार्य है, सड़क है, पानी है, लाइट है, उसकी हम कर चुके हैं। तो सरपंच साहब, ग्राम पंचायत पर बात करते हैं अपने सड़कों की, रोडों की, तो वर्तमान में ग्राम पंचायत स्तर पर सड़कों का विस्तार कैसा है? बहुत बढ़िया है जी, और अभी चल रहे हैं, जो भी रह गए हैं उनका करवा रहे हैं, बरकरार चल रहे हैं, आज भी कार्य चल रहा है। फिर भी इनके लिए आप प्रयासरत हो? हाँ प्रयास। बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब। सरपंच साहब, बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे चिकित्सालय की, हॉस्पिटल उप स्वास्थ्य केंद्र की, तो वर्तमान में बरमान ग्राम पंचायत स्तर पे चिकित्सालय की कैसी व्यवस्था है? अच्छी व्यवस्था है, यहाँ पे हॉस्पिटल भी है जी, बढ़िया व्यवस्था चल रही है, और नया हॉस्पिटल के लिए जगह भी दी है, उसका कार्य होगा, अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, ठेका भी करना होगा। तो सरपंच साहब, ग्राम पंचायत स्तर पे जैसे बात करते हैं अपने नरेगा की, तो नरेगा के तहत आपने क्या वर्क करवाए, कार्य करवाए? नरेगा में हमने तालाब कटवाए जी, नरेगा से हमने सड़कें बनवाई जी, नरेगा से हम ग्रेवल सड़क का कार्य चालू कर दिया है कल से ही हमने जी, और जैसे जैसे पैसा आ रहा है जैसे कर। बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत स्तर पे एसएफ से डीएफसी मत आता है, इसके तहत आपने क्या कार्य करवाए सर? नाले बनवाए जी, टंकी बोर्ड लगवाए, टिप बोर्ड जिसे कहते हैं, समरसियल वगैरह, ये काम करवाए। बात कर रहे हैं सरपंच साहब, आजकल की युवा पीढ़ी देश का भविष्य माना जाता है,
युवा पीढ़ी आगे भी बढ़ रही है, बहुत अच्छी आगे शिक्षित हो रही है, लेकिन फिर भी 8-10% युवा है वो रास्ता भटक जाते हैं, थोड़ा नशे प्रवृत्ति की ओर ज्यादा अग्रसर हो जाते हैं। आप एक ग्राम पंचायत अनुभवशील सरपंच हो, पंचायत वासियों को खासकर नशा प्रवृत्ति पे क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको हम समझा भी रहे हैं, बहुत कुछ लोगों ने शराब छोड़ी भी है, कुछ चलम लगाते थे जो गाजा वाजा कर कहते हैं उसे, उस पर बहुत अंकुश लग रहा है, बहुत कोशिश कर रहे हैं जहाँ तक हमारी फीस जा रही है। जी जी हाँ, शराब बहुत बंदी कर रही है। कहने का मतलब है पंचायत स्तर पे आप एक लक्ष्य लेके चल रहे हो कि हमने ब्रह्मांड ग्राम पंचायत और नशा मुक्त ग्राम पंचायत बनाना है। हाँ, नशा मुक्त बहुत अच्छी बात है। सरपंच साहब बात करते हैं, प्रशासन गांवों के संग कैंप लग गया होगा आपके ग्राम पंचायत में, इसके तहत ग्राम पंचायत वासियों के क्या कार्य हुए? उसमें पट्टे के काम हुए जी, और जो किसी की दाखला वाखला चढ़वाना था वो हुए, जिसके पेंसिल वेंसिल के फॉर्म थे वो भी भरे गए, जो जो समस्या थी उनकी हल कर दी। तो सरपंच साहब बात करते हैं, ग्राम पंचायत स्तर पे COVID-19 कोरोना महामारी है, 2 साल से पंचायतें भी प्रभावित हो रही है, ठीक है, अब जैसे सर्दी का भी मौसम बढ़ रहा है, ठीक है, कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है, तो आप एक ग्राम पंचायत के अनुभवशील सरपंच हैं, पंचायत वासियों को खासकर कोरोना पे COVID-19 पे क्या संदेश देना चाहेंगे? कोरोना में हमने जन सहयोग से लोगों को खाना पहुंचाया जी, और दवाइयां भी बनाई जी, छिड़काव भी करवाया जी, जो होते हैं वो कार्य हमने सब करवाए। तो कहने का मतलब पंचायत वासियों को, ब्रह्मांड ग्राम पंचायत वासियों को भारत सरकार और राजस्थान सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पूर्णतः पालन करवाया जी। सरपंच साहब धन्यवाद, सरपंच साहब आपने आरपीटी न्यूज को समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और नई न्यूज सुना देता हूँ आपको जी, हमारे यहाँ शीतला माता का मेला लगता है हर साल जी, मार्च में होली से 7 दिन बाद जी, उसके लिए कुछ दानदाता आए हैं जी, और भव्य मंदिर बनने जा रहा है जी, करोड़ों रुपए का शीतला माता शीतला जी, तो आप भी बताना जी, जरूर जरूर आपको भी बुलाएंगे जी, बहुत अच्छी बात होगी कि करोड़ों रुपए से वो अलग ही नक्शा बनेगा, तो ये हमारे दानदाताओं का स्वागत गेट हमने बनवा दिया जी, मेले में स्वागत गेट हमने अपने निजी हेड से बनवा दिया। तो धन्यवाद सरपंच साहब, आपने आरपीटी न्यूज को समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।